Hey guys, my name is Sahil and you're watching 4AM Reactions. Welcome back to the channel. KGF Chapter 2 trailer is out. I'm sure आप सबको तो पता ही होगा, दो तीन दिन हो चुके हैं. YouTube ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर वन, बट ऑब्वियस होना ही था. और क्या टाइमिंग है यार, RRR वहाँ पे धूम मचा रही है, यहाँ पे अगला हमारे पास आ भी गई है KGF Chapter 2 का ट्रेलर. आई एम श्योर आपने बहुत सारे रिएक्शन देख लिए होंगे. मैंने तो अभी तक ट्रेलर नहीं देखा है, मैं वेट कर रहा था वीकेंड की, यार बहुत ज्यादा बिजी चल रहा था तो मैं सोचा वीकेंड पे आराम से बैठ के बनाएंगे. तानिया अंकित ऑलरेडी ये देख चुके हैं, उनका रिएक्शन देखने के लिए आप हमारी दूसरी वाली वीडियो पे जा सकते हैं. ऋषि हैनी, मैंने सोचा मैं अकेले बैठ के सुकून से सैटरडे को KGF Chapter 2 का ट्रेलर आराम से एंजॉय करना चाहता हूँ, बिकॉज आई वॉज वेरी 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 ईगली वेटिंग फॉर दिस. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स वॉच इट टुगेदर. KGF में गरुड़ा को मारने के बाद क्या हुआ आप पढ़ेंगे? खून से लिखी हुई कहानी है, स्याही से नहीं बढ़ेगी. अगर आगे बढ़ाना है तो फिर से खून ही मांगेगी. There will be no more tolerance. मेरे पास भी हथियार है, घुस के मारेंगे. तलवार चलाकर खून बहाकर जंग लड़ना तबाही नहीं, तरक्की होती है. भाई क्या डायलॉग है, लाशें भी बेकार नहीं जाती. संजय दत्त चाहिए तो गिद्धों से पूछ ले. क्या लुक है बाबा. He is the biggest criminal. He is the biggest businessman. This is the biggest national issue. अर्णव गोस्वामी की एक्टिंग की थी ना, है ना? ओ भाई रॉकिंग स्टार. Where is he? Violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me. अरे ultimate यार. I can't avoid. मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी. कह देना उनको कि मैं आ रहा हूं अपनी KGF लेने. मेरे दोस्त लायक कोई यार नहीं, मेरे दुश्मनी झेल सके ऐसी तलवार नहीं. अरे वाह यार, बॉडी. बिजनेस करेंगे, ऑफर क्लोजेस सून. भाई ये बंदा तो इतनी सीरियस, उसने भी ऐसे से डायलॉग मार देते ना फनी से. क्या म्यूजिक है यार, क्या म्यूजिक है. एक दिन दुनिया का सारा सोना तो मिला कर दूंगा माँ. अच्छा ठीक है, अभी तू सो जा, कल सुबह जाकर ले आना. ओ यार मेरे को लगा वो ट्यून आएगी तन्ना नी ना ने ना ने. भाई साहब ये होती है ना मूवीज, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता. दीज आर द काइंड ऑफ मूवीज जिनकी वजह से आई फील एक्सट्रीमली प्राउड टू बी एन इंडियन. हमारे इन मूवीज की वजह से यार हमारा नाम ना बाहर के देशों में होता है. थैंक गॉड ऐसी मूवीज इंडिया में बननी शुरू हो गई हैं. मैं ना ज्यादातर हॉलीवुड मूवीज देखता हूँ और बहुत ज्यादा मेरे को शौक है नहीं हिंदी मूवीज देखने का, क्योंकि बहुत टाइम से ना एक ही तरीके की हिंदी मूवीज बनती आ रही हैं. बट ऑफ लेट बाहुबली बोल लो, RRR बोल लो, KGF बोल लो, इन मूवीज ने जो अलग स्टैंडर्ड बनाया है यार, ऐसा लगता है कि मतलब अगर आपको पता होगा कि इंडिया में ना हम जनरली जो मूवीज एक्सपेक्ट करते हैं अच्छी मूवीज, वो कॉमेडी होगी, कैसी वो वेलकम टाइम मूवीज को क्या बोलते हैं, मतलब वैसे केओस वाली कॉमेडी या वो चलती हैं. एक्शन मूवी अगर मुझे बोलनी हो जो हॉलीवुड लेवल को बीट करे, जैसे अगर हॉलीवुड में हम सबसे ज्यादा एक्शन मूवीज किन को मानते हैं, हम जैक स्नाइडर की मूवीज को मांगते हैं, मार्वल हो गया, डीसी हो गया, पहले पहले रॉकी की सीरीज, रैम्बो की सीरीज, टर्मिनेटर सीरीज, 300 मूवी, ऐसी ऐसी मूवी में ना हमें वो थ्रिल आता था, फील आती थी.
आई किड यू नॉट, बिल्कुल वैसी फीलिंग, यू नो, वो गूज बम्स, वो म्यूजिक फाड़ होना, वो एक्टिंग, वो लार्जर देन लाइफ स्केल प्रोडक्शन वैल्यू फाड़, वो अब इंडिया में बननी शुरू हो गई है एंड दीज आर द काइंड ऑफ मूवीज जो उनको बना रही है. सो हैट्स ऑफ टू द होल टीम. आई नो इट हैज टेकन अ लॉट ऑफ इयर्स, अराउंड 8 इयर्स टू मेक जस्ट 2 मूवीज, बट आई विल नॉट कॉल देम मूवीज, दीज आर मास्टरपीसेस. हैट्स ऑफ टू द होल टीम. अमेजिंग वर्क बाय रॉकिंग स्टार यश, क्योंकि यार कुछ भी बोलो, जितना मर्जी वो लगा दो, पैसा लगा दो, लेकिन वो एक कैरेक्टर चाहिए मूवी में जिसकी वजह से ना पूरी वो फील रहे मूवी में. सो जो इतना सब करने के बाद, लगाने के बाद, कोई अगर एक्टर हो जिसका अपना वो पुल नहीं हो, तो आई थिंक मूवी बड़ी वीक हो जाती है वहाँ पे. तो यश ने जो संभाला है पूरी मूवी को, उनका जो ऑरा है, उनका जो एटीट्यूड है, वो उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया KGF 1 से. चैप्टर 2 में भी वो आया. संजय दत्त एक एड ऑन हुए हैं. आई थिंक संजय दत्त इज लुकिंग किलर. व्हाट अ लिट पर्सनैलिटी ही इज मेंटेनिंग. उनके बाल, उनके टैटू, उनकी आवाज, उनके डायलॉग, आई थिंक संजय दत्त, मतलब पता नहीं, शायद आपके अलग ओपिनियन होंगे, इस एज में मेरे को अभी तक अपनी पूरी लाइफ के बेस्ट स्टड लगते हैं यार. वो क्या लगता है वो बंदा यार, बिल्कुल अमेजिंग लग, सही में एक टक्कर देने वाला बंदा लगता है यश को इस मूवी में. बाकी रवीना टंडन का थोड़ा पॉलिटिकल रोल दिखाया, ज्यादा तो सीन आए नहीं उनके इसमें, बट जो भी आए ठीक थे. आई थिंक उनका अपना इंपॉर्टेंट रोल होगा मूवी में. म्यूजिक मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा. म्यूजिक के बारे में मैं कह सकता हूँ कि म्यूजिक हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है मेरे लिए, क्योंकि एक म्यूजिक ही ऐसी चीज है जिस वजह से मूवी में ना वो ग्रिप रहता है. नहीं तो अगर म्यूजिक वीक हो ना, जितना मर्जी ये उड़ते हुए लोग देख लो, ठिशुम विशुम देख लो, म्यूजिक अगर अच्छा नहीं होगा आप मूवी से बोर ही निकलोगे. तो आई लव द म्यूजिक. एक भी सेकंड ऐसा नहीं था, स्पेशली लास्ट के 45 या 50 सेकंड जब म्यूजिक बिल्कुल टेम्पो डाउन हुआ, तो इस लेवल पे चलता गया और बिल्डअप करता गया. तो अमेजिंग जॉब बाय म्यूजिशियंस एज वेल. नाउ नथिंग मोर, कुछ और नहीं बोलना, सीधा 14 अप्रैल की वेट करनी है और 14 अप्रैल को धमाका कर देना है. चलो इस मूवी को हिट करते हैं, इस मूवी को इतना बड़ा बनाते हैं कि ये मूवी इंडिया के बाहर, जैसे बाहुबली, RRR वगैरह, हम जानते हैं लोग कि भाई इंडिया की मूवी है, डब कर के वहाँ पे दिखाई जाती है और उससे हमारा नाम होता है. प्लीज़ इस मूवी को इतना प्यार देते हैं. अगर आपको रिएक्शन अच्छा लगा, अगर आपको मेरे कमेंट्स बड़े ऑनेस्ट लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को थम्स अप ज़रूर देना. अगर आपको हमारे चैनल की और वीडियोज़ अच्छी लगती है, तो प्लीज़ डू थिंकिंग अबाउट सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल. And I'll see you in our next video. Till then, I hope you keep watching this trailer. I hope you get some time to go and watch RRR. And I'll see you in the next video. Bye-bye.